सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, मेरा नाम है अंशर, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द स्काई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास है ये रेनॉल्ट स्काला। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, आई बटन में आ रही होगी। पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मैंने इस पर मॉडिफिकेशंस कराई हैं, तो अब क्या कराई हैं, कितना खर्चा क्या हुआ है, सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लाइक नहीं करी है तो क्या कर रहे हो, अभी जाके करो, उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें तो थोड़ा पास आ जाओ। मैंने डलवाया इसमें IPS के प्रोजेक्टर्स, ये IPS के प्रोजेक्टर्स हैं और इनकी जो बीम है, मतलब इनका जो इसमें इनबिल्ट LED आती है, तो उसकी वजह से जो थ्रो है इसका बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने जो हेडलाइट्स है इसके अंदर HIDs डलवाई है, फुल LED सेटअप हो चुका है अपने पूरी हेडलाइट का, ठीक है। और आगे अगर देखोगे तो ये जो ग्रिल आती थी इसमें पहले, ये पूरी सिल्वर थी, एंड ये भी जो पूरा ऊपर दिखा ऊपर, तो ये जो पूरा एरिया था ये पूरा सिल्वर था, जिसको मैंने फुल ब्लैक लुक दिया है, जिससे गाड़ी के आगे से देखने में बहुत अच्छी मस्त दिख रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आ जाओ। साइड में सबसे पहला जो चेंज है वो आपको दिखेगा अलॉय। तो इसमें पहले जो थे सेम अलॉय, तो सेम ही है, बट उसमें सिल्वर कलर के अलॉय आते थे, तो उसको मैंने फुल ब्लैक लुक दिया है उसके साथ पूरा, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। ये मैंने इसको रेड कैलिपर्स रेड कराए हैं, एंड जो नट्स हैं इसके सारे रेड करा दिए, जिसकी वजह से एक मस्त खतरनाक लुक आ रहा है। उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल में बात करें तो मैंने ये मिरर एक्सटेंडर लगवाए हैं। तो देखो, मेरा कोई मोटो नहीं था कि इनको अच्छे से यूज़ करना, बस मैंने लुक के लिए किया है जो किया है, इंटीरियर अभी मत दिखा। हाँ, तो गाइस, साइड में इसके अलावा सिर्फ एक ही चेंज है, वो है रूफ। तो रूफ इसमें बिल्कुल सिल्वर थी, बट इसको मैंने ब्लैक रैप करा दिया। और ये जो आपको सिल्वर कलर दिख रहा है ना, ये कोई कलर नहीं है, ये भी एक रैप ही है। ये पूरी गाड़ी जो दिख रही है आपको रैप है, इसमें कोई भी कलर वगैरह कहीं भी नहीं है, पूरा रैप है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है, ये इससे पता चल रहा है ये रैप ही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है भाई रैप कार में, थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऊपर से वायरस चल रही है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ, तो गाइस, इसके बाद अगर अपन इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखो, मैंने इसको लुक दिया है ब्राउन प्लस वाइट, एंड ये क्रोम छोड़ा है मैंने, तो एक थ्री कलर का लुक आ चुका है गाड़ी में। और ये जो आपको स्ट्राइप दिख रही है, ये पूरी एक LED है, जिसका लुक मैं आपको बाद में रात में दिखा दूंगा। और हाँ, इसमें ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, इसको हाइड्रो डिप है, ये कोई नॉर्मल पेंट वगैरह नहीं है, ये पूरा हाइड्रो डिप हो रखा है। तो इसमें आप कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4 कलर का लुक आ जाता है, पूरा वाइट, ब्राउन, ये नॉर्मल ब्राउन लेदर हो गया, ये अपना हाइड्रो डिप हो गया, ये ब्लैक भी हो रहा है, थोड़ा क्रोम भी हो रहा है, तो चार कलर मिला के बना हुआ है पूरा ये गत्ता। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं इसका जो मेन अट्रैक्शन है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका स्टीयरिंग व्हील, आप देख सकते हो, ये भी 3 कलर में कराया मैंने, ये पूरा हाइड्रो डिप हुआ है जो इसका पैनल है। और उसके बाद ये जो है पूरा व्हाइट और प्लस व्हाइट स्टिचिंग, एंड ये ब्राउन लेदर है, जो कि देखने में सच में बहुत औसम लगता है।
उसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन डलवाई है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 216, मतलब 2GB और 16GB की ये स्क्रीन है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो ये पूरी आ चुकी है। और इसकी स्मूथनेस की बात करें तो भाई बहुत स्मूथ है, देख ही सकते हो आप, बिल्कुल लैग, कोई लैग नहीं है अभी तक, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, मस्त चल रही है बिल्कुल। और ये आप जो गाड़ी देख रहे हो, जैसे ही मैं इसको हेडलाइट ऑन करता हूँ तो इसकी भी लाइट जल जाती है, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी में डला है RD का कैमरा, रिवर्स कैमरा, तो मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ। आप देख सकते हो डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऐसी हाई एंड क्वालिटी भी नहीं है, बट मतलब आपका काम चल जाएगा इतना तो है, तो देखने में बहुत अच्छी लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें लगी है स्टार लाइट, और इसकी जो छत है उसको पूरा ब्राउन लुक दिया है मैंने, ठीक है। स्टार लाइट बाद में ही दिखाऊंगा रात में, क्योंकि उसका मजा रात में ही है। और आप सीट कवर्स भी देख सकते हो आर्मरेस्ट के साथ, कितना मस्त लुक आ रहा है सीट कवर का। व्हाइट कलर वैसे करवा तो लो, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, तो देखने में तो गाड़ी बहुत ज्यादा मस्त लग रही है। इस गाड़ी में हुई है डैम्पिंग, जो कि कोई ऐसे छोटे मोटे ब्रांड की नहीं हुई, सिटी के एक बहुत अच्छा ब्रांड है डैम्पिंग में, और उसकी वजह से वजन बहुत बढ़ चुका है बोनेट का। तो ये पूरी गाड़ी मतलब इसके चारों दरवाजे और बोनेट और डिग्गी सारे डैम्प है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो उसका वजन बढ़ता है एंड साउंड प्रूफ हो जाती है गाड़ी। हाँ तो गाइस, जो एक चीज मैंने मिस कर दिया था वो है इसकी DRL, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स डलवाई है मैंने इसमें। अभी दिन में इतना जस्टिस नहीं हो पाता, बट देखने में बहुत मस्त लग रही है। अभी मैं इसकी हजार्ड लाइट ऑन करता हूँ और फिर देखता हूँ। गाइस अब लुक देखो आप, क्या मस्त आ रहा है इसका, ये फुल मैट्रिक्स है, मतलब फ्लोइंग LEDs कह सकते हो आप इसको, मस्त लगती है देखने में। तो गाइस मेरे अगर कार के नाइट लुक की बात करें इंटीरियर का, तो अभी एक सेकेंड, पहले मैं लाइटें बंद कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो गाइस अभी कोई भी लाइट ऑन नहीं है, इंटीरियर में मैं बैठा हूँ, ठीक है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले करूँगा अपनी रूफ लाइट ऑन, मतलब स्टार लाइट ऑन, तो इन 3, 2, 1। तो गाइस ये है लुक स्टार लाइट का रात में, और रात में वही देखे जाए ना बहुत मस्त लगती है ये। उसके बाद मैं अब ऑन कर लेता हूँ साइड वाली अपनी जो डोर्स में एम्बिएंट लाइट है वो भी, ये मैंने एम्बिएंट लाइट भी ऑन कर ली है, ठीक है। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ लुक। तो गाइस ऐसा कुछ लुक आ रहा है लाइट का, एम्बिएंट लाइट देख लो, ये मेरी स्क्रीन हो गई, ये एम्बिएंट लाइट, एंड ये जो अपनी स्टार लाइट हो गई, भाई मस्त लगता है। मतलब इंटीरियर रात में तो देखा जाए ना तो इतना सही लगता है। फ्रंट के DRLs है रात में भाई कुछ ऐसे लगते हैं। अभी सिर्फ DRLs ऑन है और कुछ ऑन नहीं है हेडलाइट में। अब मैं जाके पार्किंग, मतलब जो अपना हजार्ड लाइट होता है वो ऑन करता हूँ, अंदर का लुक देख लो भाई कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है। अब मैं हजार्ड लाइट ऑन करता हूँ, ये हो गई अपनी हजार्ड लाइट ऑन। और हजार्ड लाइट के लुक की बात करें, देख लो यार क्या लग रहा है, एकदम मस्त लुक आता है रात में। तो हजार्ड लाइट ऑफ कर देता हूँ मैं, और अब अपन सबसे पहले इसकी जो फॉग लाइट्स है वो ऑन करते हैं। तो फॉग लाइट्स का रिस्पॉन्स देख लो भाई, ये प्रोजेक्टर्स हैं IPH के, तो भाई रिस्पॉन्स तो भाई बहुत OP है, ये देख लो सामने से। और मैंने इसको ज़्यादा ऊपर नहीं रखवाया है, इतना नीचे आएंगे तब आँखों पे पड़ती है ये, तो बिल्कुल सही लुक आता है। अभी मेरी HIDs ऑन नहीं है हेडलाइट की, तो HIDs भी ऑन कर देता हूँ। अभी मैं अकेले ही शूट कर रहा हूँ तो मुझे ही बार बार जाना पड़ रहा है। ये हो गई अपनी HIDs भी ऑन, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि HIDs है तो गर्म होती है पहले, वो देख लो अभी थोड़ा ब्लूइश लुक आ रहा है, अभी फुल वाइट हो जाएगी, ये देख लो आप लुक पूरा। प्रोजेक्टर्स की बीम देखो कितनी प्यारी है, जो नंबर प्लेट की लाइट्स होती है ना जो, वो भी मैंने चेंज करा दिए हैं, तो इनको वाइट करा दिया है। जो पीछे का भी भाई लुक फुल LED हो चुका है, मस्त लगता है रात में। तो गाइस आज की वीडियो के बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये गाड़ी पसंद आई हो तो अभी लाइक ठोको और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।